आमतौर पर क्रिकेट में कोई खिलाड़ी आपस में टकराने, फिसलने या गेंद लगने से चोटिल होता है। खासकर फील्डिंग के दौरान डाइव लगाते वक्त खिलाड़ियों को हमेशा ही चोट लगने की आशंका रहती है। मगर क्या आपने कभी सुना है कि विपक्षी टीम के किसी खिलाड़ी पर स्लेजिंग करने से कोई खिलाड़ी चोटिल हुआ हो? अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो हम आपको बता रहे हैं कि एक घरेलू क्रिकेट मैच के दौरान ऐसा हैरत अंगेज वाक्या सामने आ चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंग्लैंड में एक घरेलू क्रिकेट मैच में स्लेजिंग करने से एक खिलाड़ी का जबड़ा टूट गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल हेस्टिंग क्रिकेट क्लब के जेडन रेगन के एक कैच लेने के बाद इतनी जोर से चिल्लाए कि उनका जबड़ा लॉक हो गया और वे अपना मुंह बंद नहीं कर सके। रीगन पिछले हफ्ते ही ड्रोमोना टीम के बल्लेबाज जेफ के साथ स्लेजिंग में शामिल रहे थे और यही दोनों टीम में एक बार फिर मैदान में आमने सामने थे। मैच के दौरान रीगन का सारा ध्यान इस बात पर था कि कैसे जेफ को जल्द से जल्द पवेलियन भेजा जाए। हालांकि जेफ ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की। वह 99 रनों पर खेल रहे थे और अपनी टीम को मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे, मगर शतक से महज एक रन ही दूरी पर उन्होंने हवा में शॉट खेला, जिसे रेडन रीगन ने कैच कर लिया। कैच लेते ही रीगन इतने अधिक उत्साहित हो गए कि वह जेफ की ओर देखकर बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कुछ कहा। इसी दौरान उनका जबड़ा अपनी जगह से हट गया। जेडन रीगन को इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। बाद में जेडन रीगन ने कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गया था, जैसे कि अक्सर हो ही जाता है। मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा और जोर लगाना चाहिए, तभी मैंने पाया कि मेरा जबड़ा अपनी जगह से हट गया है। मैं जब अस्पताल में पहुंचा तो वहां चिल्ला रहा था। वहां डॉक्टर मेरे मुंह में अंगूठा डालकर जबड़े को सही स्थिति में लेकर आए। रीगन ने साथ ही कहा कि जब मैं वापस लौटा तो मेरे दोस्त बियर पी रहे थे, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इसे लेकर हम बहुत जोर से हंसे। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।